वैसे तो त्योहार अपने आप में हर कोई खास होता है, लेकिन पर्सनली मुझे दो त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं, एक करवा चौथ और एक रक्षाबंधन। तो अभी मेरा फेवरेट त्योहार आने वाला है, तो मैं इसके लिए बनाने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी, रबड़ी, जिसे बासुंदी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी रेसिपी। रबड़ी बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 गिलास दूध, 2 गिलास। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसी तरह से दूध को उबलने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, किनारों से भी और बीच में भी, ताकि ये लगे नहीं। और इसमें जो मलाई आएगी उसको हम इसी में मिक्स करते जाएंगे। और दूध में 1-2 उबाल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे केसर के 20 धागे और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, 10 काजू, 10 बादाम, 10 पिस्ता। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच चीनी। और अब हम दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और अब दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 3 इलायची कूट करके। और अब इसको लगातार 1 मिनट तक चलाते हुए और पकाएंगे, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। तो रबड़ी को हम इतना ही पकाएंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी होने लगती है, तो इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो गैस ऑफ कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देते हैं। तो रबड़ी मेरी थोड़ी ठंडी हो चुकी है और थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। और फिर हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, तो ये थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाएगी। और अब हम इसको सजाएंगे ड्राई फ्रूट से, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। हैप्पी रक्षाबंधन। वैसे तो रबड़ी अपने आप में ही बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन अगर आपको इसका और टेस्ट बढ़ाना है तो आप इसको जलेबी के साथ ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। जलेबी का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके देख सकते हो और जलेबी बना सकते हो ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ। तो आप भी बनाइए ये टेस्टी रेसिपी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही में दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो उन्हें कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।